नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। मैं सकल के दोस्तों एक नए वीडियो टेक्निकल चार्ज में। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं मेरे वन प्लस सिक्स में, और अगर आप वन प्लस सिक्स और वन प्लस सिक्स टी यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको रिसेंटली एक नया अपडेट मिला होगा ऑक्सीजन ओएस का 10.3.5। इस अपडेट में ऐसी क्या खास चीज आई है और क्या क्या नई चीजें आई हैं, आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये है हमारा वन प्लस सिक्स, जिसमें हमें नया अपडेट ऑक्सीजन ओएस का मिल चुका है जो कि है 10.3.1। अब इसमें सबसे पहले में जो अपडेट हमें मिला है वो मिला है ऑप्टिमाइज रैम मैनेजमेंट का, यानी कि अब आपकी रैम की एलोकेशन जब आप काफ़ी सारी ऐप्स को ऑन करते बैकग्राउंड में रह जाती है उसको और बेहतरीन तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर पाएगा आपका वन प्लस सिक्स और वन प्लस सिक्स टी डिवाइस। अब इसमें आपको आता है कि न्यू एडेप्टिव वन प्लस बड्स जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं 5,000 रुपये के हैं, उनके लिए अब वायरलेस कनेक्शन को थोड़ा सा और आसान बना देगा। यानी कि जैसे ही आप बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो वायरलेस कनेक्शन ऑटोमेटिकली आसानी तरीके से हो जाएगा। अब जो तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है वो दिया है फिक्स द क्रैश इशू व्हेन ब्राउजिंग ऑन क्रोम, यानी कि काफ़ी लोग जब अपने ब्राउजर पर काम कर रहे थे या लॉग इन कर रहे थे तो वो बार बार क्रैश हो रहा था। तो अब फिलहाल जैसे कि आपने देखा कि अभी फिलहाल जैसे मैं पहले क्रैश करने की कोशिश की थी पर नहीं हुआ, तो ऐसी चीज़ें अब इसमें यहाँ पे क्रैश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब इन्होंने फिक्स द ब्लैक स्क्रीन इशू वाइन ओपनिंग लॉक किट। अब लॉक किट के लिए आपको अगर जैसे कि आप अगर पहले आप यूज़ करते थे तो आपको स्टार हैश 800 हैश पे जाकर अगर आप करते थे तो आपको ऐसे लॉक किट नज़र आती थी। यहाँ पे देखिए वार्निंग और एंटर, यहाँ पे आपको सारी लॉक किट नज़र आती थी कि भाई मॉडर्न वर्जन कौन सा है, वाईफाई वर्जन कौन सा है, वायरलेस लॉक, वन प्लस लॉक किट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाता था कि भाई आपने कब स्क्रीनशॉट लिया, क्या क्या जो जो कुछ चीज़ें थी सब कुछ आपको लॉक किट यहाँ देखने को मिल जाती थी। तो अब ये भी पहले जो क्रैश होता था वो अब यहाँ पे क्रैश नहीं होगा। और दूसरा जो उन्होंने जनरल स्टेबिलिटी फिक्सेस दी हैं, जनरल फिक्सेस दी हैं, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मैं भी आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है इन्होंने दिया है अपडेटेड GMS पैकेज। अब GMS क्या होता है, गूगल की बहुत सारी मोबाइल सर्विसेज पैकेज होता है जो कि उन्होंने अपडेट कर दिया है लेटेस्ट मई के 2020 के। अब गूगल जाकर प्लेस मोबाइल सर्विस बोलते, ये सारी सर्विसेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए जितनी आप सर्विसेज देख रहे हैं सारी की सारी गूगल मोबाइल सर्विसेज के अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, चाहे क्रोम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी पैकेज हो गूगल का, जितना भी आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन के साथ नॉर्मली क्योंकि गूगल का चलता है तो सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अब लास्ट जो बचता है वो बचता है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच। तो उसमें जाते हैं अबाउट फ़ोन में, अबाउट फोन में यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ओएस वर्जन 10.3.5 नज़र आ रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 10 तो है ही। अब मैं आपको जल्दी से वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 जुलाई 2020 का देखने को मिल गया है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही इसमें, थोड़ा बहुत बस पैच अपडेट और साथ में गूगल मोबाइल सर्विसेज और लॉक के लिए अपडेट कर दिया गया। और अगर आप वन प्लस बड यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल आपने परचेज किया है तो उसको भी आप साइमल्टेनियसली ईजिली तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बस यही अपडेट था इस बार के इस 10.3.5 में। इतना कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही है। मेरी तो बैटरी ऑलमोस्ट ऐसे हो गई है इस टाइम पे कि ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स के बाद कि ऑलमोस्ट जल्दी स्पेंड आउट हो जाती है। इवन जब मैं इसको बहुत ही मॉडरेट यूज़ करूँ, हैवी यूसेज करूँ, तब तो फिर बैटरी ऑलमोस्ट पूरे दिन भी नहीं चल पाती है। देखते हैं आने वाले अपडेट्स में, हो सकता है कि थोड़ा सा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हम और ज़्यादा देखने को मिले। तो बस आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हूँ मनीष और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी एक नई वीडियो में।